प्रभु पाने के लिए मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसे तुम पा सकते हो। अगर मनुष्य जीवन पाकर उसको नहीं पाया जन्म बर्बाद चला गया। जिनके अंतर शौक मेरा आस्था और जो प्रभु के पाने की होती है वो यही कहते हैं कि भाई अगर तू नहीं मिला तो क्या मिला, जीवन बर्बाद जाए। श्री साहब फरमाते हैं कि मुझे ये अगर मालूम होता कि ऐसी बिरा के दुख होता है तो माता जिसमें मैं पैदा हुआ था क्या अच्छा होती कि नाला कटने की वजह मेरी गर्दन काट ली ताकि मैं इतने दुख को गिना चाहे। अगर मनुष्य पाकर प्रभु नहीं मिला इंसान को प्रभु को पाकर ही सुखी हो सके, कारण इंसान चेतन स्वरूप है। चेतन को अगर सुख हो सकता है तो महाचेतन प्रभु के साथ जुड़ने ही चाहिए। दुनिया जिन्हें हमको सुख नजर आ रहे हैं ये सब दुख का रूप है। जितना सुख है उतना ही दुख में बदल जाता, कितनी देर सुखी प्रतीत करता है जितनी देर ये उससे जुड़ा रहता है। या तो चीज से हटती है उखड़ती है कहा, या वो चीज उसकी नजर से ओझल होती है ये दुखी हो जाता है। जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है वो क्या करे। हम महापुरुष कहते हैं जो सुख को चाहे सदा शरण राम की जय। हम दुखी क्यों, ये नाशवान चीजें हैं हे प्रभु, हमारी सोच इसमें जकड़ी पड़ी है। तू अब नाशी है, जो नाशवान में लगा पड़ा वो अब नाशी से कैसे जुड़ेगा। इधर सेहत करो मैं लगाना हूं तो कहां पर परमात्मा कहां मिलता। कई भाई कहां कहीं तलाश करते हैं, लेकिन ग्रंथों पोथियों में तलाश कर रहे हैं। सारे भाई ग्रंथों पोथियों में उन महापुरुषों के ज्ञानात हैं जिन्होंने प्रभु को पाया है, कैसे पाया है, पाकर क्या कुछ मिला, कौन सी चीजें रुकावट बनी, इन बातों का जिक्र है। वो ही धर्म पुष्ट के कहते हैं वो कहाँ है, घट घट में हर जी तुम्हारे जो चीज यहाँ वही मिलेगी। बस तो कहीं कहीं पहाड़ों उजाड़ों जंगलों के दियाबानों में पहाड़ों के समुद्रों में दरियाओं के तटों पर तलाश करते हैं, अरे भी वहां जाकर भी आखिर कहां मिलता है। पहाड़ी जगह कौन सी ऐसी जगह जहां बोले ऑल इज होली वेयर डिवोशन नहीं हो, सारी दुनिया एक जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास जहां भक्ति भाव से मत खाते को वही हर जगह पित्र बन अनुभव के पाने का। तो सारे महापुरुष ये कहते हैं सारे भाई वो तुम्हारी आत्म की आप बस तू कहीं ढूंढे कहीं के विदाए हाथ, चीज तो कहीं और हो, आप उसको किसी और जगह तलाश करो, फिर वो कैसे मिलेगी आपको। वो अब नाशी है, सबका जीवन आ रहा है, अति सूक्ष्म और अगम है। अब जब तक तुम भी उसी लेवल पर ना पहुंचे उसको कैसे पा सकते। तो कभी साहब सुनाते हैं कहे कभी तब पाइए जो भेजी लीजिए था, कि जो इकरार से वाकफ है उसके साथ मिलो तुमको मिल जाएगा। अगर ऐसा ऐसा भेजी मिलना भी बड़ा मुश्किल नहीं है। ज्यादातर लोग आपको यही कहेंगे भाई अपरा विद्या के साथ किए जाओ बस तुम्हारी कल जाएगा प्रभु को पाना। अरे भाई प्रभु का पाना नहीं, प्रभु के पाने के लिए जमीन का बनाना जो पोछे को करो एक समझ आएगी। फलाना महात्मा ये कहता फलाना ये कहता फलाना ये कहता फलाना ये कहता शौक बढ़ेगा, पाने तो कुछ और है। पूजा पाठ एक तरीके से ये दूसरे से हर समाज में अपने अपनी बराबर है, उनके करने से मतलब भाव भक्ति का बढ़ना, इन दो चीजों के उपजाने के लिए ये सब कुछ है। अपरा विद्या के साथ इनसे प्राप्ति नहीं, प्राप्ति के लिए जमीन है ये तैयारी है। कहा पाना कहाँ है, दुनिया बड़ी भूल में जा रही है। यही तो यही समस्या, बस पढ़े जाओ खाली पढ़ना, इसमें शक नहीं, पहला कदम है, इसको छोड़ना नहीं। हम भी महापुरुषों की बानी पढ़ रहे हैं,
पेश कर रहे, पढ़ने से कहते समझो वो क्या कह रहे। जो तलाश हमको है वो तलाश हमेशा से रही है लोगों को, जिन्होंने पाया उन्होंने जो देश की बदला में मजबूर के मुताबिक तो फरमाए वो हमारे पास मौजूद मेरे शास्त्र जी के गुण जन तो पोती जी के गुण। इनको गौर से पढ़ो सोचो विचार इसमें क्या थे, आप किसी नतीजा पर पहुंचोगे सब महात्मा कैसे परमात्मा तुम्हारे अंतर में है परिपूर्ण, मगर तुम्हारी आत्मा की भी आत्मा है। वो दृश्य और गोचर है जब तक आप ये बदूचा हो तिसुचे को जाने हो, तो अगर राजदार वापस मिल जाएगा तो कोट जन्म का पंथ पल न पकड़ेगा, बाहर सारी उम्र भटकते रहो बाबर पढ़िए जेते बस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आज या पढ़िए जेते सास नानक लेखा एक गल हो इसे ये बरादरी पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ने का मतलब हर चीज की कीमत है ना, किसी की कीमत पीतल है, किसी की कीमत चांदी है, किसी का कीमत सोना है, किसी की हीरे ज्वारा है। तो पढ़ना लिखना विचारना भाव भक्ति को उपजाने के लिए शौक बढ़ाने के लिए है, ये पहला कदम। मगर जिस बात की तलकीन हमें तालीम से मिलती है उस बात पर मैं कहता हूँ एक मिसाल के तौर पर, दो मालिक एक आमों का दख्त बहुत सारा बाग में लगे हैं, एक एक घंटा दोनों को मिलता दो आदमी एक जाकर वो गिनता है इसमें कितने दख्त हैं, दख्तों में कितनी शाखें हैं, शाखों में कितने पत्ते टहनियां लगी हैं, टहनियों में छोटियों में कितने पत्ते लगे हैं, पत्तों में कितने फल हैं। वो दिमाग सोजी करता गिनती गिनती करती घंटा खत्म हो जाते जाने पर। एक और जाकर सस्ती देखता भी है बाप किस चीज क्या है, देखता है इसको कुछ पड़ा है ये क्या है, एक भी तोड़ कर खाता है दो भी खाता है खूब महसूस होता है खुश है, दोनों का वक्त पूरा हो गया, बताओ फायदे में कौन सा ये कहना पड़ेगा ना जो फल कुछ आएगा। अरे मैं दूसरों पोथी को पढ़ खाली पढ़ने में काम नहीं होगा, दिमाग सोजी से ये काम न कभी पूरा हुआ न हो कुछ। वृद्ध आदमी को उपनिषद कहता है कि उस प्रभु को बुद्धि के ग्रास में लाना इतना ही नामुमकिन है जितना, दो मिसालें देते हैं, जितना शराब के पीने से प्यास का बुझना नामुमकिन, जैसे रेत में से तेल का निकालना नामुमकिन। अरे भाई आजमाई बात को जो फिर आजमाए वो बेवकूफ ऐसे नहीं, कन्फ्यूशियस ने ये देखकर चीन का महात्मा हुआ कि ये बात तो बुद्धि के दायरे में आ रही थी इसे छोड़ ही दो चलो सदाचारी है तो खा। मेरे अर्ज करने का मतलब है आप किसी समाज में रहो फल खाने की तरह, समझे, जिसने फल खा लिए उसका पूरा जीवन सफल हो गया। समाजों में हम दाखिल हुए थे इसी फल के पाने के लिए, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल क्या है, प्रभु प्राप्ति जल मन का खत्म होना। तो जिस समाज में भी हो महापुरुष हर समाज में आए, यानी कि एक समाज में दूसरे के लिए दरवाजा बंद न रहे, समाज हम लोगों ने बनाई है इसका मतलब था उनकी भी जरूरत है, रहो किसी समाज में, किसी समाज में रहना एक बरकत है। मगर उस समाज में दाखिल होने की जो गर्ज है अगर वो न मिले तो जन्म बर्बाद कर। इसलिए संतों का नजरिया कुछ और सामाजिक नजर नहीं, सब समाज में उनको क्या क्योंकि सब आत्मा दे रहे, वो रोना वो रो रहे हैं जो हर एक इंसान का रोना, जो हर एक समाज के सामने उसे हम भूल गए। इस तरह जाने के लिए मैंने अभी अर्ज किया था कि दो किस्म के फकीर हैं, एक दर्जात पिछली थे एक दर्जात उलवी है, हर एक आपको अपनी जगह मुबारक है, संतों की तालीम दर्जात पिछली की नहीं दर्जात उलवी की। ये शब्द आपके सामने आ रहा है कभी था तो गौर से सुनिए, क्योंकि सोचे फ्लूबी से इस सारे सिरसे को नीचे से लेकर ऊपर तक ब्राह्मण पार में उनके पार तक चले तो सकते गौर से सुनिए वो क्या फरमा। कारनो दीदार महल में प्यारा है का
प्रकाश है, तू उसको देखना चाहता तो कहां मिलेगा? क्या इस महल में जिसमें तुम रह रहे हो, इसी महल में वो बस रहा है, इसी में तुम भी बस रहे। एका संगत एकित गिराए बसते, मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में, एक ही घर में दो वर्ण आत्मा और परमात्मा रह रहे हैं, मतलब तो आपस में बात नहीं है। हम में तलाश करते रहो बाहर, सारी उम्र करते रहो तो मिलेगा। तो कहते हैं तू उसके अपनी आंखों से दीदार कर, कर नैनो दीदार, अपनी आंखों से दीदार कर। कहां पार कर दी थी महल में बाद में, तो उसको पाना है। ये हमारा आदर्श है, सब महापुरुष ने यही ज्ञान किया। मैं कहां पर कहते इसी महल में, जिसमें जो तुम लियो कितने यही हरी मंदिर है, ये शरीर हरी मंदिर जिसे सत्य की जो जिसे परमात्मा की ज्योति जगमगा रहे, इसमें तुम भी बस रहे हो, प्रभु भी बस रहे। अरे भाई जो चीज यहां गई मिलेगी, तो कहते फिर आंख खोल हो गए सर, बाहर नहीं अंतर में है, तो सारे महापुरुष नहीं गए सब सबने सब महापुरुष। विवाद विवाद प्रत्यक्ष में शर्मा की चाहिए अपनी आंखों से उसको देख। कलाम शराब गोशी खुद से नहीं देते, अपने कानों से उसके कलाम को सुनते। कहते कहां पर नेहा अंदर नेहा बीनत जमालिश, अंधेरा है अंधेरे के पार चलो उसके जमाल नजर आएगा। कैसे अनहिस्से नेहा सहम पुनर कमालिश, जो हिस्सी ताकत तो में है ना सोच या आत्म, उससे तुम इस कानून नहीं करोगे जब अंधेरे के पार चलोगे। यही तो किसानों सुना है, पुतली में तिल तिल में भरा राजे कुल का कुल, ये पुतली ऐसे तिल है तो कुल का राज भरा पड़ा है। आंख बंद तो अंधेरा है ना, इस पर्दा इश्तिहार से जरा पार दे, पहली फेस करो इस अंधेरे से। सब दुनिया से अंधेरे में बैठे, सब ज्ञान चहन करती है, लेक्चर कथा ज्ञान ग्रंथाकार बनते हुए भी, समाजों के साधन करती हुई भी अंधेरे में, अंधेरे से पार नहीं। गीता में भगवान जी क्या फरमाते, दो मार्ग हैं, एक पितृयान पंथ है, एक देवयान पंथ। पितृयान पंथ कर्म कांड का है, इसमें शुरुआती जाती रहे। देवयान पंथ ज्योति का मार्ग है, जो उसमें रू जाए वो वापस नहीं है, जो विद्या में है वो मरकर अंधकार लोगों में जाएंगे, जो विद्या में रत है जिनकी बुद्धि बहुत फैलाव में वो उनसे भी ज्यादा अंधकार लगेंगे। तो आंख का खुलना अपनी आंखों से देखेंगे हमारा आदर्श। राइट से कहा आए जा विंड उदासी सौ लांग से जिस की सुर्खी है जिसे रूबा ध्यान की इस दाइन आई भी सिंगल दाइन होल बारी चाल भी खुला फ्लाई। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए तो तुम्हारे अंतर ज्योति का विकास है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है ना, अगर ज्योति का विकास हो जाए और प्रणु की धुनी जारी हो जाए, तुम्हारे कान उसको सुनने भी लग जाए और आंख खुल जाए जिससे वो नजर भी आता हो, तो ज्योति कल्याण हो जाए। परमात्मा को पाने के लिए यही एक रास्ता है, वे बैक टू गॉड, ज्योति मार्ग और शुद्धि मार्ग। ये विकास कहाँ होता है? ज्योति का विकास नीचे चक्रों में भी होता है, याद रखो, मगर प्रणु की दुनी नहीं, इन्हों के घाट से ऊपर आना ये पहला। इसीलिए स्नातनी भाइयों बड़ी ताकीद की है, जीते जी दियो अमरता जाना चाहिए, नहीं तो बेगता बन जाए। बड़ी अनियत रस्म मौजूद है, रस्म ही रस्म राय जी जीवन है जगह क्या बन रस बात की है। तो कहते हैं यारे भाई जिसकी तू तलाश कर रहे हो तो तुम इसी माल में जो तुम लिए कर रहे हो, शरीर हरी मंदिर है जिस सती की जोत, मगर आंख से खोल और दे। वो आंख है जिसे वो नजर आता, वो कौन सी आंख है? महापुरुष ने इसका जिक्र किया, भगवान कृष्ण जी फरमाते हैं तुम मुझको
इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस तीसरे से जो मैंने तुमको बख्शी। गुरु की हैसियत में फरमा रहे, गुरु वो आंख देता, वो खोलता है जो दिल की क्यों उसको कुछ बंद है, लेकिन क्या उसको हटाता है जो हटा से सोचे न गुरु जो अंधेरे में प्रकाश कर। आपको बहुत महत्व मिलेंगे, हजारों साधन बाहरी अपना विजय के बतलाएंगे, अंधेरे को दूर नहीं करते। दर्जे बदर्जे हमारे दिल में सब महात्माओं के लिए कदर है, मगर जिससे जन्म मन की एंड होना है, खत्म होना है, वो नहीं आना जाना चाहिए। आखिर कितियां तो कर्मकांड ही कर दिया है ना, गुरु आ जाएगी सब आपस जहां खत्म हो। जब तक हम इंद्रियों के घाट के ऊपर आते हैं, ज्योति का विकास नहीं होता, प्रणु की धुनी नहीं जा रही होती, काम नहीं। गुरु नानक साहब से पूछा गया, महाराज तुम कहते हो कि वो आगे भी लगा है, नानक का पाचा दिश जाए अक्षर हमें क्यों नहीं लग रहा था। भगवान राजे नानक से अक्षरियां बेअन, से अक्षरियां बेअन, ये आंखें वो नहीं, वो और आंखें हैं जिन दिश लो मात्र जिसे वो लग रहा था। वो कौन सी आंख हो गई, अंधे डर की खबर न पाए इंसान से जो इनके अंग्रहण के पास जाता है। इंद्रों के घाट बैठा हो सारी उम्र साधन करता रहे, यानी कि चक्रों में बैठा रहता, मौत के समय रूस इनकर अंक की पीछे आती है, जो नीचे चक्रों में लगे गए तो नहीं कम सिंस बात। तो महापुरुष पहले दिन जो दरिया तोड़ी तो फकीरों पैर तुमको खूब हो गया, थोड़े पिंचर होकर जब चेतन को अलग करते बॉडी कॉन्शियस से ऊपर लाने की समर्था रखते है, जो आता उसको पहले दिन यही सबक देते, उसी रोज रोज कमाई करने जो लग जाए गुरुमुख आ जाए नहीं सकते। कभी साहब फरमा रहे हैं, अरे भाई तुम प्रभु की तलाश में हो, अपनी आंखों से उसे देखने चाहिए, कहां पर देखोगे, कहते इसी महल में बाहर में सारे महापुरुष ले गए। कभी साहब ने एक जगह फरमाया, हज काबा हो जाए बा आगे मिले खुदा, जब मैं हज का तो करने को गया तो रस्ते में खुदा मिल गया मुझे, कहने लगा साईं मुझसे लड़ पड़े लड़ने लग गया, तुम किन फरमाएगा, तुमने किसने कहा कि मैं यहां बस हूं, मैं तो तुझ मैं हार जाई हूं, मैं यहां को बैठने और कैद में समझ सारे महापुरुष ये कहते मतलब है कि अगर तुमने प्रभु को पाना है कहां पाओगे इस महल में अंत बार, जब नहीं कहां पर वह दृश्य और अगोचर है, जब तक आप उसी लेवल में नहीं आओगे नहीं देख सकोगे। हम लोग सवाल करते हैं अगर परमात्मा तेरे घड़ी को उठा को यहां से यहां रख दे, अरे भाई ये स्थूल है वो सूक्ष्म है, उसी लेवल पर आप जाओगे तो देखोगे ये हवा है, हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या हवा में कुछ नहीं है कुछ, मगर वो सूक्ष्म है, हमारी आंख स्थूल है, या वो चीज जो हवा में सूक्ष्म में इतनी बड़ी हो जाए मैग्नीफाई हो जाए कि हमारी आंख के लेवल में आ जाए, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म भी हो जाए कि उसके लेवल में से फिर नजर आने लगे, खुदबीन के आले से देखो कीड़े मकौड़े भरे नजर आएंगे जो इस वक्त नहीं नजर, तो जिनकी वो आंख होती वो कहते हैं सारी जगह वही ए जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास, हर एक जगह ही कौन सी ऐसी जगह जहां पर वो देखे संसारे देते, जैसे मछली पानी में तैर रही है उसी में हमारी बीइंग उसी के आधार पर है, मैंने उसी को हम तलाश कर रहे, जल में नींद प्यासी ये देख मोया रहा है, मछली पानी में रह रही है कैसे पानी का कैसे ये देख रहे हैं हंसी आती किस लोगों को जिनकी आंख से। तो पहली बात जो प्रभु के पाना चाहते हैं वो कहां तलाश करें, वो अति सूची उस लेवल पर आए किन आंखों से कहते अपनी और कहां पर इसी महल। अब इस महल की ये अजीब हो गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, वंडरफुल हाउस में लिवे समझे, जो ब्राह्मणे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, मैक्रोकॉज्म में जिंदगी माइक्रोकॉज्म में, आज में सोई आज में कभी का नमूना, ये अजीब मकान है जिसको खंड ब्रह्मंड बनते हैं,
कभी हमने इसके अंदर दखल हासिल किया पता ही नहीं। जिसम का रूप लेना तेज जो कि घाट पर बाहर मुखी हुए बैठते हैं पता ही नहीं इसमें क्या मुमकिनात हम बड़ी भारी मुमकिनात क्या में जमशेद था जमशेद एक बादशाह हुआ उसे एक प्याला बनाया था उसमें ये खासियत थी कि उसमें जो चीज इस दुनिया की देखने क्या लग रहा थी। अरे भाई ये उल्टा प्याला जो लगा ना सिर का ये ऐसा है ये पिंडनुमा भी है अन्नुमा भी है ब्राह्मण नुमा भी है पार ब्राह्मण नुमा भी है और सचखंड नुमा भी है सरसे से कैसे एंटर होना है सवाल के लिए। तो मनोजीवन बड़ा ऊंचा जीवन परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है बादल खुदा तो ही किसका मुझे कुरान शरीफ में जिक्र आता है जब इंसान का पुतला बनाया गया तो फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सज्जा का जिस दही को सिमरे देव सो दही पाजे हर किसान जिस मुनि जीवन की दही पाने को देवी और देवती भी तरसते हैं वो हमको मिली क्यों इसमें तुम ये अनरेवल कर सकते हो प्रभु को पा सकते और किसी योनि में देवी देवते भी अगर उसको पाना चाहते हैं तो मनुष्य जीवन भारी लेकिन भारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली है मनुष्य जीवन भारी जो काम क्या करना था उसे तो देवी कुछ किया है तो और सामानों में लगे अंत समय आ जाता है इंसान अपने आदत से ना पाकर पछता कर चल जाए दो आंसू बहाता होता है कभी सा पहले शुरू में कहते हैं आंखों से देखो उस प्रभु को कहां पार कर किसी महल वो आंख कौन सी उन्होंने अभी हरी किया वो सिंह लाई है वो शिव नेत्र है वो दिल की क्यों है वो लेटिन टाई है जो सब चिंतन और बन इस राह से लोग बहुत कम वाकफ हैं इसलिए इस मजमून को छेड़ते ही नहीं इंटेलेक्चुअल बुद्धि के लिहाज से कई तफसीरें करेंगे लेक्चर देंगे ग्रंथ पोथी सुनाएंगे इस राह से न वाकफ है न देखे तो जितना वो काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे दिल में इज्जत मरा की के चुनाव जो प्रभु को पाना चाहता है उसे तो भाई नजर आने चाहिए लेने वाला कहे मुझे पिछले अब इस महल में दाखिल होने के तेजी ध्यान करेंगे उसके देखने के लिए कौन सा लाजमा है ये ध्यान करके फिर सब इस महल का सब ध्यान करेंगे अचारे दे देकर क्योंकि मजमून तो बड़ा लंबा बता हम थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे थोड़ा और से सुनिए कर्म को दार माल में प्यारा है काम क्रोध मद लोभ विसारो क्षीण संतोष क्षमा सत धारो परमात्मा की पित्र है उसके पाने के लिए हमें भी पित्र आते हैं जिसके हृदय मैं लड़कों नहीं पाती एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी नेक पाक सदाचारी जीवन प्रभु के पाने के लिए पहला दिन इसी सब समाजों में सब महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि जीवन को नेक पाक नानक नाव खुदाय का दिल रखे मुखले नाम का जिसके हृदय मैला जिसे लोगों का खून बिखरा पड़ा दूसरों की बड़ाई बस रही दूसरों से नफरत है दूसरे के गले काटना खून बिचौड़ने पर अरे भैया के हृदय में तो कैसी बात तो हृदय की सफाई कहो यम नेम के आसन कहो इसीलिए बताए सदाचारी जीवन बनाना कहो एट फोल्ड पाथ जो महात्मा बुद्ध ने पेश किया वो इसी रंग के लिए था पांच व्रत जो जैन धर्म के वो इसी रंग के लिए जो सर्वनाम जी मऊ क्राइस्ट ने दिया वो इसी रंग के लिए तो सदाचारी पहला जीवन जिस हृदय में ये चीजें बच रहे थे सदाचार में थे वहां परमात्मा अब खोल कर समझाते हैं क्या कहते हैं कैसे काम काम आपको पसंद आते तो बड़ी भारी तारीफ इसकी की गई जेती मन की कल्पना काम कहा तो। जिन्हीं कल्पनाएं मन में थी ये सब काम मगर
दम से की रक्षा साथ महसूस कर लक्ष्य जिसको कर इसको बस न करो, इसको निवारण राइट यूज करो, कंट्रोल करो। ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है, इसका पाठ करना मौत। जैसे जमीन मकान हो उसकी बुनियाद भी खराब हो तो नहीं देना चाहिए। जिस इंसान का ब्रह्मचर्य कायम नहीं प्यालात की पितला वहां पर जहां काम एक नाम न है, जहां नाम में काम दो एक जानना बसते हैं रब रजनी। जहां पर काम है वहां नाम में काम करो नीचे की तरह, नाम करो संयोग की धार के लिए। नाम कहते हैं परिपूर्ण परमात्मा को, नाम के धारे खंड ब्रह्म। नाम वो ताकत है जो सब खंड ब्रह्मों को धार रहे, जिसमें ये सब कुछ हो रहा। कहते वो कहां है अदृश्य अगोचर नाम अपारा अतरश्मि संवर्तन। उबाई जीसी का मजबूत नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा और इंद्र के घाट के ऊपर आना पड़ेगा। अगोचर बड़ा प्यारा बड़ा मीठा है, वो परिपूर्ण परमात्मा को अगर पाना होगा तो उसी लेवल पर जाना होगा ना। इंद्र के घाट के ऊपर काम परस नीचे, इंद्र के घाट के ऊपर आना डायबैटिक लपल जरूर नीचे लिखे बकारों में लंपट हो रहे थे। अरे भाई उसकी सोटू को तीन को कैसे छोड़ते, आप देखेंगे कहेंगे कि तो क्या आप दुनिया का खात्मा होगा नहीं। जिन्हें महापुरुष आए ज्यादातर ग्रस्त आश्रम में आए, मगर उनको ग्रस्त आश्रम वो नहीं जो हमने बना रखा। शास्त्र में जाना क्या कहती है कि जब जब औलाद की खास इस चीज को बस बड़ी बेशकीमत की जाए, 40 कप्ते घी के एक कप्ता खून का बनता है, 40 कप्ते खून के एक कप्ता मिर्च का बनता है, 40 कप्ते मिर्च बनकर एक कप्ता चीनी का बनता है, चीनी भारी। इसको अगर जबत में रखो तो उनको किसी खुराक की जरूरत नहीं, बड़ी भारी काम है। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे जब होश आई दम चाची कल मालूम है मैंने धारण किया मैं क्या कुछ बन गया। अगर मुझे इसका पहले पता लगता तो मालूम भी मैं क्या और कुछ बन गया। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा ये चाहिए। शास्त्र मर्यादा से बताऊ बस तो जब जब औलाद की ख्वाहिश हो बस, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब बच्चा पेट में रहे जब तक बच्चा पैदा होकर दूध की तरह कोई तालक न, ये मर्यादा से 2-3 साल का वक्त लग जाएगा, ऐसे 2-3 बाल बच्चे हो भी जाए एक नारी चला जाए। चार सौ मर्यादा के हम क्या करें, हम तो ये सभी तेजी की दुकानों से लेते नतीजा सेहत है जी। मैं जल्दी में गया वहां बच्चे भी कुछ स्त्री भी कुछ मर दे करते भी कुछ मुझे क्या करते तो यही धारण करते। हम कहते हम विषय की औलाद है, हम तो करते नहीं वो करते फायदा करते जो करेगा फायदा करेगा। तो काम का कंट्रोल ब्रह्मचर्य की रक्षा जीता है। जिसकी ब्रह्मचर्य की रक्षा है उसका दिल नवाज करी हमेशा। यहां तक फरमाते हैं कामी कुत्ता 30 दिन मन में रहे उदास, एक बार काम का वेग आया हुआ कुत्ते के अंदर 30 दिन उस पर असर करता। अरे जो दिन रहा भी सीधे लग रहे हैं तुम क्या है तो पैदी तारीख में देखो स्वामी राम से कहते हैं कि वो प्रोफेसर थे, चले मैंने चेक करके देखा कि जिन लड़कों के ख्याल फित्र थे इम्तहान के दिनों में वो कामयाब हो गए और लायक लायक लड़की जिनके ख्याल फित्र थे वो फिर तारीख पर नजर मार कर देखो। पृथ्वीराज तो महमूद वाली हमला करके आया उसको पछता कर दिया वापस हो गया, दोबारा फिर आया वो हार गया। तारीख बदलाती है जो उसकी कमर एक लवली ने बातें शायद का टीका ध्यान कर रहे नेपोलियन बोनापार्ट जिसके नाम से यूरोप फर्राता था, जब वाटरलू के मैदान में पकड़ा जाता है कि पहली रात उसे सुन गिरती है ये क्यों पेश नहीं जा रही, बस सबक सीखो जो करे इससे फायदा उठा। तो जिसका मकान की बुनियाद ही ठीक नहीं, शादी हुई 2 मिनट
कमर कुबड़ी है, हाथ में पीछे है, गायदे दाते के धागे पाऊंगी। अगर आप जीवन की ब्रह्मचर्य की रक्षा का दान सबक आज ही से सीख लो, आधे डाक्टर उठ जाए। पहले पहले काम को इस तरफ प्रभु को पाना है ना, ब्रह्मचर्य जिंदगी है। चेस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। दूसरे क्रोध, काम में रूप गिरती, क्रोध में रूप फैलती, क्रोध की आगे सहना है ईशा द्वेष निंदा चुगली धरेबंदी दुश्मनी बखी। जब तक जब लग धारे कऊ बैरी बीत तब लगने चल रहे हैं। जो सुख फैलाओ मन फैलाओ में जा रहे हैं वो यक्षु कैसे होगा? यक्षु तब हो जो गिरने से हटे और फैलाओ से हटे। दो चीजों से बचो, किसी को बुरा चिपुन हो सबसे प्यार हो सबकी हमदर्दी हो। फिर कहते हैं काम क्रोध मद लोग विचारो, मद मद कहते नशे को। मैं आलम हूं, मैं अमीर हूं, मैं हाकिम हूं, मेरे जैसा करो। हर एक अपने अपने जोर में बाहर जाते वो भी कभी हकीकत खुद ही का। ये यहां देखो ह्यूमिलिटी निम्रता प्रभु के पाने के लिए पहला कदम। सेंट अगस्टिन तो कहते हैं कि तीनों कदम है निम्रता है। पूछा कि परमात्मा कैसे मिलता, फरमाने लगे फर्स्ट ह्यूमिलिटी सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। निम्रता हो तभी किसी महात्मा के पास जाओगे, अगर निम्रता रहो तो कौन जाता है? और जाओ भी तो वहां भी अकड़े करके बैठे रहो। ये ठीक है फैलना भी कैसा फैलना गंध कैसा फैलना पति सिर्फ परख पर कर फैलता चला जाए फिर भी खाली आ गया। जो पहला सराय के नीचे होगा वो भर जाएगा, जो सराय के ऊपर है अगर कोई चीज मिल भी जाए फिर भी उसका मद न हो। बख्शिश है उस मालिक की उसने दी, एक खजानची है वो खजानची मुकर्र हो गया है कोई आदमी उधर लाखों रुपए आते हैं वो अमानत है उसके पास। ऐसी अगर वृत्ति बन जाए जिस साफ और फल पड़ जाता वो दुख का जमीन के साथ लग जाए तो मद को छोड़ दुनिया सारी। आप देखिए हम कहाँ आड़े बैठे, वहां कुछ बड़े बुढ़ा गड़बड़ के वो खोल खोल कर बयान करते हैं हम कहाँ जितना जकड़ गए कैसे कैसे फलसे पड़े गिर रहे थे। फिर कहते लोभ निवारो, लोग कहते हैं हर किस्म का लोग है, खाने पीने का लोग है, इंद्र के भोग रसों का लोग है, रुपए के पैसे जायदाद इकट्ठे करने का लोग है। लोग की खातर लेक्चर कथा ज्ञान भी लोग में शामिल हो गए, माफ करना निखड़े हुए चिन्ह लेक्चर की कीमत बन गई बड़े आलम हजरत जी इसका 500 रुपया दोगे तब आ जा, इसको 1000 दोगे तब आ जा, दो दिन लाने के लिए 10,000 खर्च चाहिए। मुझे किसी अभी आए कितना खर्च होगा आपके आने का? मैंने उनके तो भाई मेरा खर्च तो कुछ नहीं, आप वहां देख लो लोग आए गए तो क्या कर सकते हैं। तो लव लालच में आके इंसान जमीन फरोश बन जाता, सच सच नहीं कह सकता, उसको जाति वर्ग है मेरे लिए कैसे आ रहा है, नतीजा क्या है, मन फैलाव में जा रहा है कुत्ते की तरह हम तक सकता है कहां से पैसा मिल, बातें वही बनाएगा जो उसके पैसे लाने के लिए मत जाए। तो कबीर साहब फरमाते हैं जो प्रभु को पाना चाहते हैं वो क्या करें, इन चीजों को निवारे, काम क्रोध लव मद लोभ निवारो। कैसे कहते शील धारण कर, काम की ओर शील चेष्टी, क्रोध का क्षमा, कोई इलाज होना चाहिए ना, किसी ने कुछ ऐसी गाली देते उसको माफ कर दो तब से झगड़ा पाक हो जाए, इंसाफ नहीं मांगो तब भी झगड़ा रहेगा माफ कर। हम लोग कहते जस्टिस होनी चाहिए, अरे जस्टिस में वो जो है ना तो हम बीज वो नहीं मिलता, माफ कर दो तो गहरा जाता प्रेम से माफ कर फॉरगिवनेस शील क्षमा संतोष। संतोष कहते हैं लव लालच जितने हैं जितना मिला है प्रभु दिया शुक्र है, दो रोटी खाने को मिली। फकीर कहता है भाई मुझे थे दो रोटी खाने को चाहिए और आसाना लेते तो चाहिए ना, बस जितनी सिंपल लाइफ होगी उतना सुखी रहोगे। बी डी जाए जितनी ख्वाहिशात कम उतने सुखी, जितनी ख्वाहिशात ज्यादा उतने दुखी। एक
एक थोड़ी लेकर गड़ा पानी का रखकर रात गुजार सकता एक सारी महलों में भी उसको तक नहीं जाता संतोष बन जो मिला है शुक्र है भाई कहीं खड़े होता भी होगा ना जज जी साहब में इसी बात को बतलाने के लिए कहा कि जो परमात्मा कामयाब होना चाहते वो क्या करें शुरू करते हैं मुंडा संतोष संतोष की मुद्रा डाल लो पहले संतोष हो कहीं खड़े हो तो आगे चलो जो 100 ले रहा है वो 1000 के पीछे 1000 वाला लाख के पीछे 1000 वाला करोड़ों के पीछे मारो मार चला जाता हो सब कुछ उसको पाक खा पाक सब खा जायज ना जायज की तवीज नहीं रहती और सत्य को धारे सच बोलना शुरू करो थोड़े पापों की मल जाती है आपकी एक कसौटी क्या है जिसको करके कोई पूछे तो उसको छुपाना पड़े झूठ बोलना पड़े समझो वहां पाप कहते ये चीजें धारण कर जीवन को ऐसा बने फिर आगे चलो नीति चक्रों का अभ्यास करो तो आयु ऊपर कर रहे तो पहला कदम सदाचारी देखभाल की धारण करो कोई करे अरे समाज में इस बात की तारीफ है समाजों का कसूर नहीं ग्रंथों पोथियों का कसूर नहीं कसूर तो ना बिचारने वालों का कविता क्या फरमाते हैं वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा सो जो न होता प्रचारकों की मेहरबानी हुआ जो लग लालच में फंसे पड़े वो सच कैसे कह सकते हैं जो मोहताज है जिनकी जरूरियात 100-100 रुपया रोज के खर्च के लिए चाहिए वो क्या करेंगे आखिर लाखों वाले के पीछे जाएंगे नहीं गुलाम बनेंगे झूठ वही बात कहेंगे जो उनको जैसे पैसा जो आ रहे तो सच्चे आदमी तो भाई हमेशा ही सिंपल लाइफ सादा जीवन सच क्या भी वही सच्चा जो मोहताज है क्यों कहे तो कहते ये चीजें पहले दान कर लो तो प्रभु को पाना चाहते हो अपनी आंखों से अब उसको कहां देखना चाहिए इसी महल में अब महल के कई दर्जे कई जीने कई छत्ते का जो नीचे के चक्र यहां तक फिर आगे अंध ब्रह्मंड पार ब्रह्मंड तो जीवन अगर पेपर नहीं तो किसी चीज में आपको कामयाबी नहीं जाए तो ये पहला कदम तो इसी समाज में रहो कोई साधन करो सिद्धि नहीं हो जय काम क्रोध मन लोभ विकारो शील संतोष क्षमा सात धारो मध्य मांस मिथ्या ताज डारो हो ज्ञान घोड़े अश्वार भरम से अगर उसका अनुभव तुम ज्ञान का अनुभव करना चाहते हो तो कुछ और भी साथ करो ये एक सदाचारी जो साथ खाने पीने कर रहे याद रखो परमात्मा कामयाब होने के लिए तीन चीजें जरूरी व्यवहार शुद्ध हो पहले फिर आहार शुद्ध हो फिर आचार शुद्ध अगर हमारा व्यवहार ऐसा जिससे लोगों का खून निचड़ा चढ़ा रहा है तो ऐसा ऐसा कैसे प्रभु को पा सकते गुरुनान साहब फरमाते हैं जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत जो रत पिए मानसा तिन क्यों निर्मल जो कहते हैं खून को कपड़े को खून लग जाए पलीत हो गया अरे जिस हृदय में खून बिछड़ा पड़ा है लोगों का वो कैसे करो को पाते उनका मन निर्मल कैसे हो सकता मन निर्मल ना हो तो उसको पा कैसे सकते तो क्या कहते हैं नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे भूखले अगर प्रभु का नाम लेना तो दिल को साफ करते अवर जो आज दिल्ली के झूठे दुनिया के लोग झूठे हम लोग जीवनी ने एक बात नहीं हजार राम राम करो क्या कहो ब्लैसे आदि प्योर इन हाउस फॉर देश की बात जिनके हृदय पित्र है वो मुबारक हो कि केवल ऐसे ही हृदय को प्रभु को दे आप समझे खाने पीने का भाई भगवान कृष्ण जी ने गीता में निर्णय किया खुराक तीन किस्म की खुराकें बतलाई तांग से खुराक से प्रसाद और सातवों खुराक के लिए सब्जी दी है सातवों खुराक किसको कहते हैं फल सब्जियां
अनाज दूध मक्खन घी वगैरह। तो ये कह रहे हैं दो चीजों का परहेज बड़ा है। एक तो ब्रह्मचर्य की रक्षा का सवाल आ गया आगे, क्रोध लोभ का सब सदाचारी जीवन का जिक्र आ गया, आगे कहते खाने पीने का भी परहेज चाहिए और मद जितने नशे वाली चीजें उसका भी परहेज। उसका दो कारण है, जैसा हम तैसा मन, कई बार इस ख्याल से तांत्रिक चीजों का या राशि का करते हैं जिन्हें खाने नहीं, मांस मछली अंडे आदत ये वो चीजें हैं जो पैशन को उभारती, इसीलिए खाते हमें नॉर्मल जीवन चाहिए, हमने इन पर कब्जा पाना है, जिसको मिटाना उसी को बढ़काता चला जाए तो कैसे बनता हूँ, इसलिए साथ को खराब मछली हो तो मांस मछली अंडे आदत का सही है राष्ट्र के साथ हो खराब मत। कई बार ख्याल से खाते किसी ताकत आती है, अरे भाई हाथ की क्या खाता कि नहीं साध और जानवर हम जाती खाता आज तो वही चीज तो ठीक इंडिया में हुई थी पंद्रह दुनिया तो छोड़ रहे थी केवल लाइफ डाइट है जिंदगी देने वाली है, मांस मछली से ज्यादा ताकत आती है हम उसी भूल भी जाते सब महापुरुष ने इस पर तहकीक की। मैं वेस्ट में गया वहां उनको पेश किया कि क्राइस्ट ने कहा क्या टेक मिल्क एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फॉर मीट, ये चीजें इस्तेमाल करो। तो जहां फिफ्टीन मेटेन काम से मुझे चिट्ठी आई कि आपने ये कहां से दिया था, मैंने वो किताब का अच्छी दे दी। हनुमान साहब से पूछा क्या करना चाहिए खाना चाहिए, वो चले लाने खुद खुद लाने दीजिए अपना गोश्त खा खराब उनको। तो सारे महापुरुष जो गए हैं वो तो सब यही कहते, मुसलमानों में जब किले काटते हैं गोश्त खाने का भय, मगर हम खाने पीने के हवस में मारे चले। अरे भाई जो प्रभु को पाना चाहिए उसको खाने पीने का भय निहाल जरूरी, व्यवहार शुद्ध हो जो खाते हो वो शुद्ध हो सात्विक हो, जिन हाथों से वो चीजें आती है वो भी शुद्ध हो, कामी हाथों से चीज पकी आएगी तो उनके काम के बाहर देगी। खोली ईशा बैच के आदमी के हाथों से खाना पककर आएगा तुम्हारे में ईशा बैच बढ़ेगी, हमको क्यों नहीं मालूम होता। यहाँ आगे मनो महल बड़ी पड़ी और एक सर बढ़ गई तो क्या, ये उनसे जाकर पूछे जिनके बिल्कुल हृदय ने जरा सा एक माचा ऊपर नीचे होने से गड़बड़ होती तो खाने पीने का बढ़े और मद का भी जिक्र किया नहीं सोच सकते। हमारी आत्मा चेतन है, इन्हें और ज्यादा चेतन होना तो जिन चीजों के इस्तेमाल से हमारी होश बिगड़े हम होश से बेहोश हो वो नहीं, जितनी नशे वाले थे या तालीम जी कभी तक बेगर और सारे महापुरुष ज्ञान से तो कहते ये है लो आत्मा प्रभु के पाने वालों के लिए। रंग जीव से फायदा उठाने से थोड़ी सी सेटिस्फाइड क्या, देखिए छोड़ दो परमात्मा के किनारे रंग दो, खाली अगर आप ब्रह्मचर्य की रक्षा करें ख्याल आप नेक पाक हो पित्र हो सदाचारी हो लोगों के लिए दर्द रखता हो दुनिया आपके पांव के नीचे आंखें मिल जाए, मगर जन्म मन की रिहाई आत्म तत्व के बोध से है, इसकी भी हर एक चीज की कीमत है मगर ये सबसे बड़ी नीति की कीमत है। तो संतों की तालीम निरोल परमात्मा, न ये सामाजिक है न पुलिस है, तो ये नहीं कहते कि सेवा न करो, करो निष्काम सेवा करो, अहिंसा को धारण करो मन करके वचन करके और कर्म करो, सत्य को धारण करो झूठ परेज तगाबाजी रयाकारी कपट चोरी से बचो, ख्यालात को नेक पाक बनाओ। क्राइस्ट तो कहता है एक बार अगर एडल्ट्री का ख्याल तुम्हारे जिसमें आया तो समझे विवाह को मिट्टी जल जाए तो चल गई कि नहीं, सबके अंतर परमात्मा की किस्मत है पापी से भी गिरना, उसके पाप से तो गिरना हो एक ही सिंह बट लग गई सिंह वो उनके सिंह कैसे दू, अगर तुम नफरत करने लग गए उनका सिंह कैसे प्यार से समझा, फिर जिस काम से रहो करो जबानी जमा खाते न हो, जो भूखा है उसको बांध कर खाओ, जो दुखी है उसके दुख बांटो, धन करके धन करके और मन करके शुभ भाव में रखो, ये है सदाचारी की बात, ये है जो आज जितना हृदय साफ करके करोगे
थोड़ी देर का भजन तुमको आत्मानों पर होता है। जब भी महापुरुष आपको नाम देते हैं ये पहला नहीं करोगे तो रुक जाओ। ये बात लोहालवा ज्ञान आगे आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, नीचे से करूंगा और उनसे गौर से चलिए। धोती नेती बसी पावो आसन पद्म जुगत से लाओ। कहते हैं पहले प्राणों का संयम है ना, प्राणों के संयम के लिए नेती धोती और बस्ती के साधन करने पड़ते हैं। नेती कहते हैं नाक से ऊपर लाइटा डोरी होती है उसे साफ करते, जिन्हें बैगन ऊपर से साफ करते, धोती से आंदे साफ करते, कपड़े तीन उंगल कैरी करके सारी खिलाफ इंद्रियों को साफ करते, बस नीचे अनिमा समझे जिसम को, क्योंकि प्राणों का सिस्टम है इसलिए इनको साफ करना जरूरी है। फिर हाथ योग की क्रियाओं से रिष्ट पुष्ट बना, ये पहला चरण, क्योंकि प्राणों के संयम के लिए कुंभ करना पड़ता है। उसी जब तक जिसम बिल्कुल साफ न हो, खुराक का खास संयम न हो तो कर नहीं सकते, नहीं तो रिएक्शन नहीं कर सकते, पागल हो जाता है। उसके लिए कर चीजों का इस्तेमाल करें, कहते फिर पदम आसन सिद्धार्थ में पदम आसन जो वो लगा कर जाए। अब नीचे चक्र ग्रहण करने लगे जो अपराध जो शिव लाख शिवली दंगे के छह चक्रों तक है उनका जिक्र करने लगे। उनके ये लाजमा जो नेक पाकी का है वो तो दोनों के लिए, नीचे में सिद्धि हासिल करने के लिए जीवन नेक पास है। अंतला बिल्कुल साफ करके नेती धोती और बत्ती के सामने से पदम लगा हाथ लगा के बैठे। कुंभक कर रे चक करवाओ, ऐसे मूल सुधार कारज हो सारा है। जिसमें छह चक्र है एक गुदा चक्र, तो उसमें क्या करना है फरमाते हैं अब सांसों का पूरक कुंभक और रेचक, सांसों का भरना रोकना और निकालना, और इसे संयम के साथ चार माता क्या सोलह माता आपके है संस्कृत बाकायदगी से। फिर कुंभ को बढ़ाते चलेगा, ये कुंभ बढ़ता बढ़ता चलेगा, पहले मिनट आधा मिनट दो मिनट पांच मिनट दस मिनट। मुझे एक ऐसे जिंदगी में लाए थे शायद जो दो वर्ष के कुंभ को दो वर्ष, तो कहते कुंभ सरेचे करने के लिए पहले गुला चक्र से चक्र कहा गणेश का मालिक है, गुला चक्र के प्राणों को वहां से लेकर कत्तर होकर मेरे साथ होकर ध्यान को वहां टका करते उस चक्र पर इसका करते। तो इसका क्या नतीजा है, यहाँ पर गणेश की पूजा है ये सीधी आपके काम में आ जाती है जो करना चाह कर सकते हैं। पहला चक्र काबू कर लो तो इतनी चीज आ जाए। स्वार चक्र खट दल विस्तारो, ब्रह्मा कावित्री रूप न्यारो। दूसरा चक्र है इंद्री चक्र या ब्रह्मा चक्र को जिसका काम पहला है इसका आगे पहला है पता है इंद्री चक्र से होती ब्रह्मा और सावित्री दो ताकते मेरा सिंह मेरे साथ करते हैं। कहते फिर दूसरा चक्र यहाँ पर तो प्राणों को समेट कर वहां लाओ दोनों को, इससे आगे चलो दल्य बदल के ऊपर चलो। उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकार। दूसरे चक्र का हिरण का जाप करते यहां से मेरे कुंडली जगह नहीं पड़ती, ऐसा मुख उल्टा है उसको सीधा करने को, वो फिर पीछे चढ़कर ऊपर आके जाकर खुलती है। बड़ा सख्त साधन बड़ी गर्मी से निकाला करता इससे ऊपर आकर ओम का उच्चारण कर पीछे करते ये फिर से चल रहा क्रियम ह्रियम आ ओम का ये जप होता है। साथ थोड़ा दे दिए जो करते डिटेल के लिए थोड़े सारे दे दिए हैं, यानी इस तरह से योगी जननी के चक्रों को तय करके फिर ऊपर आता देख। नाभि अष्टकमल दल साजा,
शेष सिंहासन विष्णु विराजा। ना भी चतुर आगे आ गया, यहाँ ये विष्णु पालन करता है। इनमें वही चीजें रखी हैं जो ब्राह्मण में रखी है, जो ताकत पालन उसको विष्णु कहते हैं। यहाँ पर आठ दल करता हूँ, पहले दो दल, चार दल, फिर आठ दल, ऐसे चलते हैं। उसमें मुख्तलिफ रंग के अपने अपने प्रकाश होते हैं, डिटेल महात्म जो नीचे करते समझा दे। हिरिंग जापता सुमुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा। चौथा चक्र वहाँ लक्ष्मी का बात, विष्णु और लक्ष्मी कथी होते हैं। तो जो इस चक्र को तय कर ले उसे ये सत्या से जो चीज मर्जी पैदा कर ले, कबीर भंडारी बन जाता। ख्याल किया सीधी है तो ये इस तरह से नादी चक्र आ जाता है। बुरा चक्र, हिंदी चक्र और नादी चक्र आगे। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई। अगला चक्र हृदय चक्र, इसमें शिव भगवान प्राणों का निर्धार, यहाँ पर बात कर। तो चक्र चले आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हृदय चक्र था। जो हृदय चक्र में आ जाए तो आसमान में उड़ सकता है, जिसे ये सीधी कर ली हो हवा में उड़ सकते हैं, जहां चाहे जाते। आपने सीधे को मतलब सुना कि मुंह गुच्छा रख के आसमानों पर उठते, तो ये इन इन चक्रों को तय करके अपने अपने ख्याल मिल जाते। मर मुक्ति कुछ और है, समझे। तो हम शब्द तहा धुन छाई, गण करें जय जय कारा। तो हम शब्द का जाप करते हैं, तो हम हृदय पर चक्र लगाते। मुसलमान फकीरों में भी हिंदू होगी, मैं आदर निजामी से यहाँ मिला कई साल हो गए, वो हृदय चक्र का जाप करते, लाल देश ब्रह करते थे, उसमें शोक का जाप, हक 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 का कहते, इससे चलते हैं। खोड़श कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई। कंठ में शक्ति, यहाँ पर 16 कमल चल रहा है, 4, 8, 12, 16, अभी 2 से चलते, 2, 4, 8 और 12, 16 ये यहाँ का। आगे एक और चक्र, ये 5 हो गए, पांचवी चक्र बाकायदा रूह और क्रम दोनों को समेत करता सकता। बड़ा लंबा मार्ग, मैं ऋषिकेश में रहा, मुझे एक आदमी सिर्फ मिला जो फिर से उसको गया आगे के चक्र। एक ऐसी तो मजदूर है, गाने बजाने का सवाल नहीं। हरि हर ब्रह्माचार धुराई, जहाँ श्रृंग नाम उच्चारा है। श्रृंग नाम का जाप होता है, जो योगी जन करते हैं इस चक्र को सिद्ध करके ऊपर आते। तापर कंज कमल है भाई, बग भौरा द्वय रूप लखाई। कंज कमल आगे के मतलब जिस आगे चतुर सब गुप्त स्वेद की जो कर यहाँ पर सफेद उनका प्रकार खबर करती है। अंतराय की ज्योति का विकास होता है, दुनिया का कोई जिक्र नहीं किया, दुनिया कैसे आगे होगी, रनों की दुनिया आगे जा रही होती। यहाँ तक तो ये योगियों का मार्ग दर्जा का जो बड़े डिटेल से ये कर दिया है, अब अपना मार्ग ध्यान करेंगे। संतों का मार्ग, संतों ने क्यों छोड़ा नीचा मार्ग सवाल लिया, वो ये कहते हैं अगर आप दरमियानी छत में बैठे हो क्या ये अच्छा नहीं, वही सिमट कर ऊपर चल जाए, बजाय से कि फिर नीचे आकर पहला सिद्ध करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा फिर यहाँ। और दूसरे वो लंबे साधन जो प्राणों से किए जाते हैं वो आजकल हम कर नहीं सकते, ये उन दिनों में शुरू हुए थे जब कहते हैं सतयुग था, 1,00,000 वर्ष उम्र थी। मतलब जब 1,00,000 वर्ष उम्र थी तो ये भी आता है कि 7,000 वर्ष विश्वामित्र ने तप किया, 87,000 शरीर के कर दिया होगा, 1,00,000 वर्ष वैसे में 10,000 साल रह गए थे, द्वापर में 1,000 साल लगे, कलयुग में आज तो 50,000 से ऊपर जाता कोई नहीं।
वो साधन जो उन जमानों में किया जाता से आज हम कैसे कर सकते, संतनी के प्राणों के से संतुष्ट हो गए, एलिमिनेट कर दिया ताकि जीव निर्बल है वो फायदा होता है। उनके प्राणों को वो क्या कहते, ये भाई प्राणों के संयम, प्राण अपना काम कर रहे हैं, प्राणों का अपना काम है, आत्मा का अपना काम है, सांस चल रहा है, रगा हजम हो रही है, खून देहरान कर रहा है, बाल उग रहे हैं, नाखून बन रहे हैं, ये सब प्राणों का काम हर वक्त हो रहा है, हम कभी रुकावट तो नहीं होती। कहते मैं ना नहीं करने से तो सारे काम तो कर सकते, परमात्मा तो क्यों नहीं कर सकते, परमात्मा का अनुभव तो आत्मा ने करना है, न प्राणों ने, न मन ने, न बुद्धि ने, न इंद्रियों ने, इन्हें उन्होंने प्राणों के संयम को छोड़ दिया। ये लोग यहाँ पर योग मत और संतों का मार्ग खिलाफ है, ये एलिमेंट्री स्टेप है, वो हर स्टेप है, फिर श्राप भी कोई नहीं, ऊपर जाने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया कि हर कोई फायदा होगा, तो उनका मार्ग वेद दी वर्ल्ड फिलोसफी डन देव दी लिविंग स्टार, नीचे इंद्रियों से ऊपर आकर ये मार्ग शुरू होता है, नीचा इंद्रियों के घाट से चालू होता है। हम आगे अपने मार्ग का जिक्र करेंगे, जिस मार्ग को संतों ने दुनिया में प्रचार किया, सिंप्लीफाई करके बच्चे को बैठाए, वो भी ज्योति है, वो भी पिंती ऊपर आ जाए। चक्र कार्यक्रम मैंने अभी अर्थ किया था कि मुझे ऋषिकेश में, मैं हर एक महात्मा से वहां मिला, बुद्धि के बड़े पहलवान थे, इंटेलेक्चुअल रेस्लर, मरा प्रैक्टिकल हामिल एक आदमी मुझे मिला जो पतंजल योग करके पिंती ऊपर आ गया। उसके ये खासा था, कोई आया नहीं उसके था, सिर्फ अपने हाथ में बन जाए, पता करते करते सौ जाते उसके, वो इतनी चीजें लड़ रहता था, जब दूर से देखा तो उठ खड़ा हुआ, उन्हें कभी आज अजीब बात है, कभी उठ कर मेरे आदर भाव से बैठे बात ही, वो पता है तिलसी ऊपर जाए, अब शराबी भाव करना शराबी का भी क्या होता तो पिछाड़ देते, दूसरों को पिछाड़ देते, आलमों को ये काम देते, तो ये प्रैक्टिकल मजबूत है, ये योग मात्र है, फिर चक्रों के अभ्यास करके फिर जमाना वी आर नाट से आदर तो जरूर है, जो हम न कर सके थे तो संत ने इसलिए इसको सिंप्लीफाई आधा कर दिया, प्राणों को छोड़ ही दिया, सिर्फ आत्म की धारा को लेकर एकत्र करके खुद मदद दे देते, हाउ टू डू इट, आगे चल कि भारी भक्ति की जमाना दे निज मन करत कहाँ ठकुराई, सोन नन पिछवाड़ा है, दो बड़ी मत यहाँ पर निज बन तुम्हारे साथ, इंडी मन यहाँ खाते जिसकी डायग्राम है अंडी मन चाहमंडी मन निज मन कहो, यानी यहाँ से उसका आगे खसारा शुरू हो, अब यहाँ आ गया, संतों का मारा जा गया, गौर से सुनिए, तौलन भेद किया निर्वाण, ये सब रचना पिंड मझारा, कहते हमने ये सारी रचना आपको खोल कर ध्यान कर दी कि कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ है, क्या क्या प्रकाश है, क्या क्या जापत है, कैसे पदमार्दन लगाकर प्राणों को समेत कर दी रू ऊपर आ सकते, कहते अब आगरा मार्ग से ये तो हो गया, ये सब दे सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, वो सतनाम उच्चारा है, आगे के लिए भाई किसी सत से उपस्थित नहीं हुई, हर एक इंसान अपनी जितना पढ़ा उतनी पढ़ा सकता है, जो नीचे चक्रों का उत्ताद है गुरु अब नीचे चक्रों का सरसाई कर, मैं हजर निजामी से यहाँ मिला, बात में जब ऊपर के इशारा दी तो किसी से आए हुए थे बम्बे से, चले भाइयों सुनो आज मैं वो बात सुना जिसकी मुझे सारी उम्र तलाश थी, हरे चक्र में है सिद्धि है पर ये चीज और उनकी है, तो कहते हैं इसके लिए कि सत्य उत्तर जो सत्य बहुत चीज बना जो इंडन ब्राह्मण के बाहर सब लोग सत्संग की सिखाई देता है, ऐसी की शोभत करो उसी की शोभत करना हम सकते, अगला बेटो वही देगा जो जहां पहुंचा वहां तक पहुंचाएगा, फायदे की बात है, जो चक्रों का लिहाज करता है वहां तक पहुंचाएगा, जो दूसरे कर दूसरे का तीसरे का तीसरे चौथे का चौथे पांचवे का पांचवे, जो छेवे चक्र वो छेवे तक लगाए, छेवे से आगे तो नहीं ले जा सकेंगे, तो कहते वो नाम जो सत्य है सत्य नाम के आधार पर आगे दुनिया है, जहां पर सत्य नाम सत्य जो है चलता नीचे सिर्फ ज्योति का लगा, उनको दोनों की धारा दोनों चीजें चाहिए, क्या उसके लिए सत्संग चाहिए, सत्संग किसको कहते हैं, जाए सदगुर तय सत्संगत बढ़ाई, जो सत्य स्वरूप हो गया उसका नाम सत्संग, वो किशोर का नाम सत्संग,
शेषज्ञ की तारीफ दी है। फरमाते हैं कि जो सत्पुरुष जिन जानिया सदगुरु जिसका नाम, इसके संग सिकुर रह नान भर गई। जिन्हें सत्पुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम सदगुरु। ऐसी की शोभत न तुम किसी को पास सत्पुरुष को पास। जो पहली पढ़ाएगा, जो दसवीं पढ़ाए दसवीं पढ़ाएगा। जैसे आगे ऐसी हस्ती की जूते जो सत्पुरुष कम्बा उसकी आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। यदि हमारी सोच बाहर दुनिया में फैल रही है इंद्रियों के घाट पर, अब इंद्रियों में से तीन इंद्रियां बड़ी प्रबल, बाकी भी हैं मगर तीन बहुत प्रबल, एक आंख की इंद्रिय, एक कान की इंद्रिय, एक जबान की। जब आंखों को बंद कर लो बाहरी संस्कार 83% दुनिया का मन सिर्फ आंखों से रखे आते, 14% कान से, 3% औरों से, चाहे दोनों से सुन लो बाहर देते अंतर मुकर लो, इंद्रियों को इन्वर्ट कर लो, बाहर से कट ऑफ कर। क्या होगा जी अंतर तो वहां दीदी सुना दे, अनंत की दीवा सुनाई दे, प्रणों की ध्वनि जारी होगी, छुट्टी मारे जिसकी कहते पंचनाद करके जो गीता में भी रस दिया। बराबर लोगों की कमी के फौसे की चीजें हमें समझ नहीं आ रही बात को, लफ्जों की तस्वीरें बड़ी कर देंगे, जो हकीकत के नाचनाश होने के स्वरूप से हकीकत समझ में नहीं आती है। हम महापुरुष ने इसका जिक्र किया, जहां जहां तक वो गए वहां तक जिक्र करते सब आदमी गए हैं। मैं आज करूंगा जो जहां तक गया वहां तक का जिक्र कर गया। अरे भाई जो पेड़ से ऊपर जाता है हर पहली से जाए दूसरे जाए पीछे, हमारे लिए तो काम ले जिक्र है। कम अज कम लोगों को ये पता है कि पेड़ से ऊपर जाने वाला मार्ग सत्य है और जा सके उसको मौत का खौफ तो नहीं रहेगा। कंपैरेटिव वैल्यू तो अलग है सवाल है, तुमको कहां पहुंचा कहां ना पहुंचा। अरे भाई चलो देखो कहां पहुंचा, उसके रत्न से कहां तक मिलती है इसको। तो बड़े प्यार से समझा है इसके लिए क्या बात, जो वित्त के फैलाव में अंतर मुख ये कैसे होगी सदगुर के तौर से। सदगुर मिली है उल्टी रही भाई जीवत मरे ताबूझ पाए, जो शत्रु पति वो कहते कैसे इंद्र को अंतर मुख कर सकते। बाहर देखते अंतर देखो, अंतर की आंख खोलते ज्योति का विकास करते। बाहर से कानों को हटाओ अंतर के कान खोलेंगे यानी जीना सकेंगे। बाहर के रसों पसों से हटो अंतर वो महारस आए अमृत रस जो आप लोगों वो झटता उसके पीने वाले जी। पहला ये संतों की तालीम यहां से शुरू होती है और उसके तीन लोग केशम बंदो गोश बंदो लब्बे बंदो गपन दीवी चले हम बंद। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, लबों को बंद कर लो। कहते फिर तवज्जो को अंतर्मुख करो, अगर हकीकत ना खोले मुझे हंसी का बड़ा डेफिनेटली है एस टू एंड टू मेक फोर दो चार। यहाँ पाकिस्तान में गया वहां मुसलमान कई मौलवी शैली मिले, मैंने कहा ये इनमें सीना है तुम्हारे अंतर अंतर नूर है क्या तुम प्रगट रहा हो। कहते ये तो सचो खुदा का नूर प्रगट हो गया तो यही सच्ची में चलो। बाहरी समाजों का तर्क जिसम से है, जिसम से ऊपर आकर कौन सी समाज आ जाए। समाज स्कूल और कॉलेज है जिसमें हम दाखिल हुए थे हकीकत को पाने के लिए, जिसमें दाखिल होकर हमने इसको पा लिया हमारा समाज भी मुबारक, हमारा जिसम पाना भी मुबारक। अगर ये नहीं पाया तो जन्म बर्बाद करेंगे।